दूध पीने के बाद भूल कर भी ना खाएं ये 9 चीजें, वरना गल जाएगा आपका लीवर, सड़ जाएंगी आपकी आंतें और जान तक भी जा सकती है। आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनको आपको भूलकर भी दूध के साथ या दूध पीने के बाद नहीं खाना चाहिए और ना ही आपको ये चीजें खाने के बाद दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी आंतें सड़ सकती हैं, आपका लीवर बिल्कुल डैमेज हो सकता है और आपकी जान पर भी आ सकती है, यानी आपकी मौत तक भी हो सकती है। इतनी खतरनाक हैं ये चीजें। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं। दोस्तों वैसे तो दूध कैल्शियम का भंडार है, लोग इसका रोजाना उपयोग करते हैं क्योंकि इससे शरीर को एनर्जी मिलने के साथ साथ बहुत सारे पोषक तत्व भी मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दूध का सेवन भी कुछ चीजों के साथ नहीं करना चाहिए, वरना आपके शरीर को भयंकर नुकसान हो सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दूध का सेवन आपको किन चीजों के साथ नहीं करना चाहिए। दोस्तों जब आप दूध पीते हैं तो खट्टी चीजें साथ में ना खाएं, या फिर यदि आप खट्टी चीजें खाते हैं तो दूध नहीं पिएं। इसके साथ में मूली खाने के तुरंत बाद भी आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके चेहरे और त्वचा पर गंभीर बीमारी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। इसलिए अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो खट्टे फल या मूली आदि खाने के लिए 2 से 3 घंटे का अंतराल आप जरूर रखें। दोस्तों वैसे तो दूध और दही दोनों शरीर के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है, लेकिन दोनों का ही उपयोग कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए। इनका एक साथ सेवन करने से आपके शरीर को भारी नुकसान हो सकता है। अगर आप दूध पी रहे हैं तो दही ना खाएं, या फिर आप 4 से 5 घंटे के बाद ही दही खाएं। यदि आप दही खा रहे हैं तो दूध पीने में 4 से 5 घंटे का अंतराल रखें, वरना इससे आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा और आपकी आंतें तक सड़ सकती हैं, जिससे कि आपको भविष्य में बहुत भारी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दूध के साथ कभी भी भूलकर भी मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। इन दोनों का सेवन कुछ देरी से भी आगे पीछे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध की तासीर ठंडी रहती है जबकि मछली की तासीर गर्म रहती है। दोनों को एक साथ या थोड़ी देर के अंतराल में खाने से आपको एलर्जी की समस्या हो सकती है। इससे सफेद दाग की समस्या हो सकती है, जो सफेद दाग चेहरे पर या शरीर पर आ जाते हैं। दूसरा, इससे हमारे लीवर के डैमेज होने के चांसेस भी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों यदि आप लीवर और त्वचा से जुड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं, जिससे कि आपको त्वचा पर कोई निशान ना हो, इसलिए आपको इन दोनों चीजों के अंतराल में बहुत अधिक गैप देना चाहिए, यानी इन दोनों को साथ में या आगे पीछे भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ कभी भी नींबू, करेला, कटहल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके शरीर को इन्फेक्शन, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा आदि की समस्याएं हो सकती हैं। इनको साथ में खाने से आपके शरीर में एक प्रकार का जहर फैलने लगता है, जिससे आपकी जान पर भी नौबत आ सकती है, जान तक जाने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए जब भी आप खटाई, नींबू, करेला और कटहल की सब्जी खाते हैं तो आप दूध कम से कम 2 से 3 घंटे बाद पिएं, या हो सके तो आप अगले दिन ही लें, क्योंकि एक दिन आप दूध नहीं पिएंगे तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपके शरीर में जहर फैल गया या आपके चेहरे पर इन्फेक्शन हो गया तो उसे ठीक करना बहुत अधिक मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों आप जिस दिन उड़द या मूंग की दाल खाते हैं उस दिन आपको दूध नहीं पीना चाहिए। उड़द की दाल के साथ तो दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, और यदि आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत रखना चाहते हैं तब आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कई बार आप तरबूज खाते हैं और इससे थोड़ी देर बाद ही आप दूध का सेवन भी कर लेते हैं, तो वह बिल्कुल गलत है। वैसे दूध और तरबूज दोनों शरीर के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होते हैं। तरबूज आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है क्योंकि इसमें पानी की भरपूर मात्रा होती है, लेकिन इसके साथ दूध पीना बहुत अधिक नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए इनमें भी कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतराल आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो दूध पीने के बाद या दूध पीने से पहले भूलकर भी 9 चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके जो रिलेटिव या जानकर कोई भी यदि इस तरह की कोई गलती
गलती करता है तो वो भी इस गलती से बचे। वैसे दोस्तों मेरे भाई बहुत सारे कहेंगे कि हम ये पहले भी खा चुके हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें स्लो पॉइजन का काम करती हैं, यानी आपके शरीर पर धीरे धीरे असर करती हैं, आपके शरीर को बीमारियों का घर बना देती हैं। फिर आप बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं, ये मुझे बीमारी कैसे हो गई। तो दोस्तों इन सब का रीजन लंबे चले से हमारे जो हम खाने में जो गलतियां करते हैं, पानी पीने में जो गलतियां करती हैं, दूध पीने में जो गलतियां करते हैं, उनसे भी ये बीमारियां हमारे शरीर में लग जाती हैं। तो दोस्तों इसलिए आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।